हे हेलो प्रिय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th के जो एग्ज़ाम वो समाप्त हो चुके हैं और क्लास 12th के एग्ज़ाम समाप्त होने के कगार पर आप कह सकते हैं कि दो या तीन पेपर शेष रह गए, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और एक आध पेपर और रह गया। दोस्तों, ये आप सभी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है, सेकेंड टर्म की तैयारी कैसे करनी है, हमारा सेकेंड टर्म को लेकर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, तो उन्हीं चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है ये। तो इसे एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम गया आप सभी का, आई होप आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे के होंगे और आप अच्छे नंबरों से इसमें उत्तीर्ण हों, चूँकि आप सभी को पता है इस फर्स्ट टर्म का जो आपका रिजल्ट है उसमें आपको जो है कोई डिविजन नहीं दी जाएगी, कोई पास फेल का रिजल्ट नहीं आएगा, ओनली आपके नंबर बताए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप जो जो सीबीएसई की तरफ से आंसर की आती है या जो आंसर की आप लोगों को मिलती है उसमें भी आपने अपने नंबर को देख लिया होगा, और द पॉलिटिकल मास्टर ने खुद आंसर की जारी की उसमें भी आपने चेक कर लिया होगा, पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री का जो भी आपका क्वेश्चन है, कितने नंबर आपके सही कितने गलत है, किस आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, कितने आपको नंबर मिल सकते हैं। तो ये सारे जो मूल्यांकन दोस्तों अभी तक आपने कर लिया होगा आई थिंक। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल पर द पॉलिटिकल मास्टर पर क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री के जो आंसर की अवेलेबल, वहां से जाकर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों बता दो आपको, द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा जो भी दोस्तों चैनल के द्वारा जो भी आपको अपनी वीडियो बनाई गई थी, जो भी आपको पढ़ाया गया था, उसी में से क्वेश्चन 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आए, और आप देख सकते हैं जो मेरे लाइव क्लास है दोनों, क्लास 12th की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने मेरे पास संसाधन है उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाता हूँ सही पढ़ाता हूँ और सटीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको सेकेंड टर्म की तैयारी करनी है तो पॉलिटिकल मास्टर को जरूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों सेकेंड टर्म की तैयारियों को लेकर, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताया कि सेकंड टर्म में अब दिन की अगर बात करें, महीने की बात करें, दो महीने से कम का समय है। और दोस्तों अगर सीबीएसई देखें तो सीबीएसई ने कहा कि मार्च में आपका पेपर होंगे, और पेपर की अगर संभावना देखी जाए तो दोस्तों फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में सिलेबस हमें देखना कि सिलेबस कितना लेंदी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में सिलेबस बहुत कम था और फर्स्ट टर्म में ज़्यादा टाइम भी मिला हुआ था, और सेकंड टर्म में सिलेबस जो है दोस्तों थोड़ा व्यर्थ ज़्यादा बड़ा है। हालांकि है तो 50% सिलेबस, बट चैप्टर के लिहाज से लेंथी चैप्टर हैं सेकेंड टर्म में, जो जो अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट टर्म से। तो ऐसे में फर्स्ट टर्म के लिए हमारी रणनीति है, क्योंकि अब फर्स्ट टर्म में दोस्तों जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जो सब्जेक्टिव उसे हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम बना के भी लिख सकते हैं, बट दोस्तों बना के लिखना अगर आपने सही से पढ़ा तो ऑब्वियसली अच्छी बात, बट कुछ उल जुल तो उसमें नहीं लिख सकते, बट अगर आपने सही से एनसीईआरटी को कवर करेंगे तो 100% सही से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो खैर, बात यह कि हमें पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, एसएसटी की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, चूँकि सीबीएसई द्वारा सेकेंड टर्म का सिलेबस भी आप सभी को दे दिया गया था, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी के पास सेकेंड टर्म के सिलेबस भी होंगे, और अभी तक आप लोगों ने अपने चैप्टर पर जो है लगा भी लिया होगा, मार्क्स चिन्ह लगा लिया होगा कि हाँ ये चैप्टर सेकेंड टर्म में आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने लेने गए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सिलेबस का लिंक है, एसएसटी का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी, हिस्ट्री, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपने जो सिलेबस है उसको दोस्तों वहाँ पर मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते, ताकि इससे आसानी होती है आपको आगे पढ़ने को लेकर। और अब जब पेपर जो होने वाला है सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव होने वाले, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो परीक्षा की रणनीति है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है। अभी जो हम ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, बट अब हमें एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अपनाकर पढ़ाई करना है। और अमूमन बच्चे सब्जेक्टिव को पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा से अब हम सब्जेक्टिव में ही पेपर देते आए हैं, बट इस बार कोविड-19 की वजह से जो आपको फर्स्ट टर्म का एग्जाम था उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टर्म में दो भागों में बांट दिया गया, फर्स्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, सेकेंड टर्म में ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव है। तो ये दोस्तों जो सब्जेक्टिव में आपको पेपर में तैयारी करनी है उसको लेकर दोस्तों सबसे पहली बात यह कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और अभी से ही आपको दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोई वेट जो है नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई कुछ आराम करें, जनवरी से पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी दो ही महीने का बस टाइम है, तो इतने कम समय में आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, बस तैयारी करते जाएंगे, तो आप दोस्तों आपको पता है कि इस फर्स्ट टर्म में किस प्रकार से प्रैक्टिस ना करने वजह से बहुत से बच्चे जो है सोच रहे थे अगर हमने प्रैक्टिस कर ली होती तो सही रहता, बट खैर जो बीत गया सो बीत गया। अब जो आने वाला टाइम है, आने वाला जो पेपर, उसके लिए दोस्तों आपको कड़ी मेहनत करनी है, और कड़ी मेहनत करने के लिए दोस्तों बस आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और एक दृढ़ निश्चय कर लेना है भाई हाँ हमें ये सिलेबस इतने समय में कंप्लीट करना है। एक रूटीन आपको तैयार करना है कि भाई इस दिन इस चैप्टर को कवर करना है, फिर इसका टेस्ट देना है, फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, फिर इसके एमसीक्यू करने हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको अपने तरीके से करनी है। और इन सभी चीज़ों को दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर जो है आप सभी को लेकर आ रहा है। कल से जो हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, तो प्लीज़ अगर आपको सही प्रकार से पुख्ता और एक सटीक तैयारी करनी है क्लास ट्वेल्थ की बोर्ड की एग्ज़ाम की, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, तो आपको हमारे चैनल पर दोस्तों बहुत सारी वीडियो अवेलेबल मिलेगी और सटीक मिलेगी, ठीक है, और सही मिलेगी। हम जो दोस्तों हम पढ़ाते हैं इस चैनल के द्वारा, वो आपको कह सकते हैं कि ना एक उत्तम क्वालिटी की जो शिक्षा होती है, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वो देने की कोशिश करते हैं। हाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो दोस्तों उसके लिए 100% व्यक्ति जो है दोस्तों पूरा एक्यूरेट नहीं हो सकता, थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, बट उसको भी हम सुधारने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर देते हैं। बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो 100% सही और सटीक जो है सिलेबस मिले और सटीक तरीके से आपको जो है शिक्षा अनवरत रूप से आगे बढ़े, उसमें किसी प्रकार कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये चीज़ें दोस्तों जो आपको अभी से माइंड मेकअप कर लेनी है कि पढ़ना कैसे है, सिलेबस कैसे देखना है, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली द पॉलिटिकल मास्टर पर। फिर कह रहा हूँ द पॉलिटिकल मास्टर आपको वो सारी चीज़ें प्रदान करने वाला है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, और आप उसे करके अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, न सिर्फ अच्छे नंबर से बल्कि दोस्तों आप गारंटी देता हूँ अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और जो चीज़ें हमारे द्वारा कराई जाएंगी उसको सही प्रकार से अपने आप अगर लेते रहेंगे और उसको सही से देखते रहेंगे, तो आप 100% अच्छे नंबर से नहीं बल्कि आप आपके जो है जो डिक्टेशन से पास होंगे आप अच्छे, और आपके रैंक भी आ सकती है। तो इसलिए द पॉलिटिकल मास्टर जो भी चीज़ें दोस्तों आप सभी लाते हैं उसे प्लीज़ ग्रहण कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, द पॉलिटिकल मास्टर को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कल से जो हमारी कक्षाएँ जो है दोस्तों सीबीएसई क्लास टेंथ की और क्लास ट्वेल्थ की शुरू हो रही हैं, और आपको सारे जो चैप्टर है दोस्तों हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको अलग से क्लास लेनी, लाइव क्लास लेनी है तो वो भी बता दीजिए, वो भी दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी समय टू समय। तो ये कहना था इस वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। जो भी दोस्तों आपको लगता है कि सर ये हमें करवाइए, पहले कौन से चैप्टर पहले शुरू करें, ठीक है, किस टॉपिक को पहले शुरू करें, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वही हम शुरू करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो द पॉलिटिकल मास्टर को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।